बिजली ले आएगी कि अगर उसको जो ऊपर फोर्सेस है, ऊपर जो सिस्टम है, वो आपको बिजली लेने ही ना दे। अगर वी डोंट लेट यू मेक अ डिफरेंस, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। आप एक दफा आप कहोगे अच्छा नहीं हुआ, दूसरी दफा। नॉर्मल साइकोलॉजी में 3-4 दफा आप इफ यू गेट रिजेक्टेड on your efforts, I think वो disappointment होती है, then you don't try again. I know a lot of people who. लेकिन honestly, let me disagree over here with you. अगर बरसगीर के नौजवान मुसलमान बरसगीर के अंदर पाकिस्तान बना सकते हैं, आप पाकिस्तान बनाने के अंदर सबसे बड़ी बड़ी मूवमेंट्स अगर गिनना शुरू करें तो वो शुरू होती हैं कराची से, सिंध से, सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी से, और वो पेशावर तक, एडवर्ड्स कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, फिर लाहौर में। मतलब पाकिस्तान की यूथ ने ही तो सारा कारनामा अंजाम दिया था, उन्होंने ही लोगों को मोबिलाइज किया था, वो ही सामने आए थे। कायद-ए-आज़म की हर स्पीच में यूथ के बारे में जिक्र है, वो यूथ के बारे में डिस्कशन करते हैं और वो यूथ को यही कहते हैं कि जी आपने आगे बढ़ना है और आपने ही काम करना है, इस मुल्क का बोझ आपने अपने कंधों के ऊपर उठाना है। क्या हमारी यूथ आज इस चीज के लिए तैयार है? आई थिंक अगर if you see in that context, we had a leader in its true meaning, and the youth had someone to look upon. They were inspired by Iqbal's words. They were inspired by the hard work and the sacrifices that Quaid-e-Azam made. But do we have a leader like that now? अगर आप एक ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लोगों को मोटिवेट करे। अब कितनी यूनिवर्सिटीज में जाके यू कैन मोटिवेट द यूथ। आप जब ऊपर एक अम्ब्रेला नहीं है जिसके अंदर आप एक गाइडलाइंस जिसके जरिए दी जा सकती है, इफ यू डोंट हैव दैट, देन हाउ कैन वी एवर एक्सपेक्ट द यूथ टू डू समथिंग। आई थिंक वी नीड अ लीडर। I do agree कि यूथ को करना चाहिए, बट आई थिंक वी ऑल्सो नीड अ लीडर जिसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि जो यूथ कोशिशें कर रही है, दे कैन गो अ लॉन्ग वे। अगर हमारे पास ऊपर ऐसे लोग ही नहीं हैं जो यूथ को इनकरेज करें या उनकी बात माने, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू मेक अ चेंज। चलो, इस बात से मैं आपकी एग्री जरूर करूंगा कि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई लीडर मौजूद नहीं है जो यूथ को डायरेक्टली एहसास कर रहा हो, सवाए चंद एक के। लेकिन जो तब्दीली है ज़रीन, मैं अगर तब्दीली के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो वो ये है कि जो तब्दीली है वो इंसान के अंदर से शुरू होती है। अगर आपने अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आए कि आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, आपने कोई प्लेजरिज्म नहीं करना, आपने अपनी डिग्री असली मार्क्स के साथ हासिल करनी है, आपने कोई चीटिंग नहीं करनी है, इवन कि आप बहुत बड़े बड़े कामों में मतलब आप अगर देखें 90% जो लोग जाते हैं पाकिस्तान में आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो यूथ होती है। वो अगर नादरा के दफ्तरों में जाके लाइन पे लगे, अगर वही पासपोर्ट ऑफिस में जाके लाइन पे लगना शुरू करे, वही लोग उठ के पाकिस्तान की यूथ जो है वही अगर हर सिस्टम को खुद अपने अंदर से तब्दीली लाने की कोशिश करे तो ये चीजें खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक नहीं होंगी और फिर इसी यूथ में से लीडर निकलेगा। अगर हमारी यूथ इस इंतजार में बैठ जाए कि ऊपर से मसीहा आएगा और वो हमें आके तब्दील कर देगा, तो इज इट गोइंग टू हैपन। या यूथ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लेनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, FLP हीरोज में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के नाम से जो जीते हैं ग्रुप, विच इज FLP हीरोज का, जिनको अवार्ड मिला है, लाहौर में दे टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर ओन। दे सेड कि जी हमने लाहौर का गंद साफ करना है, एंड लिटरली दे पिक्ड अप अ शवल एंड दे वेंट एंड दे क्लीन इट ऑन देयर ओन। दुनिया ने उनको खड़े होकर बड़े अजीब अजीब तरीके से देखा और हम अपने सामीन के लिए उनको भी लेकर आएंगे जरूर, लेकिन द क्वेश्चन इज अगेन गोज टू यू कि क्या हमें पहला स्टेप नहीं उठाना चाहिए? उसके बाद बाकी लीडरशिप और लोग तो आते रहेंगे। That is true. I totally agree with that. The thing is कि the problem with our youth is, if you agree to it, कि the problem with our youth is कि they don't love Pakistan. There are a lot of people who do, and they are doing a lot for the betterment of Pakistan. But अब वो majority देखें जो who feel totally unconscious अबाउट के पाकिस्तान में क्या डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। इफ यू डोंट रियलाइज दैट I think यूथ को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज अगर जो आपने रेफरेंस दी है लाहौर के एक ग्रुप की, आप कितना एक्सपेक्ट करोगे कि सब एवरीवन शुड एक्ट लाइक दैट, बिकॉज एवरेज पर्सन शायद क्यों ना एक्सपेक्ट करें, व्हाई नॉट, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, नहीं व्हाई नॉट टू एक्सपेक्ट लाइक दैट, व्हाई नॉट एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. अगर देखें पाकिस्तान की 160 मिलियन आबादी है, उसमें से 100 मिलियन अगर यूथ है, तो अगर वही यूथ अगर कल गंद फेंकना छोड़ दे गाड़ी से, तो चलते हुए गाड़ी से रोड के ऊपर, और जब जाते हैं चीज खरीदते हैं उसका रैपर रोड पे फेंकना छोड़ दे, तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का जो 60-70% जो है वो गंद है वो तो वैसी रोड पे नहीं होगा, वो डस्टबिन में जाएगा. That is why I totally agree with that. I think इतनी responsibility होनी चाहिए basic in basic cleanliness की और जो basic way of living की, इतनी तो I guess youth को इतनी realization तो होनी चाहिए. I was talking more on the contribution part, but that is like a contribution as well. कि छोटा छोटा करने से ही कोई बड़ी चीज एक बड़ा change आता है. I totally agree with that. अच्छा ज़रीन, ये बताइएगा, लेट्स कम टू योर पोइट्री साइड एज वेल, एंड आप मैस कॉम आप स्टूडेंट हैं, यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, हाउ डू यू सी द मीडियाज रोल इन टुडेज वर्ल्ड इन पाकिस्तान, व्हेन आई से अबाउट टुडेज वर्ल्ड इन पाकिस्तान राइट नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया, क्योंकि देखिए जब आप मेरा लेट मी पुट माय क्वेश्चन इन अ वेरी सर्टेन एंगल, हमारा मुल्क में अब जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो ये रह गया है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक फील कर रहे हो, उठो 2-3 पॉलिटिकल शोज देखो और उसके बाद बैठ जाओ और एक दूसरे से बात करो. जो ड्राइंग रूम डिस्कशन है वो हमारे यूथ में बहुत बढ़ चुकी है, और प्रैक्टिकल स्टेपिंग्स के अंदर दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. डू यू थिंक इज इट द इफेक्ट ऑफ मीडिया एज वेल टू सम एक्सटेंट? वेल आई थिंक सो, बिकॉज हम मीडिया पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि आई थिंक जो सब कुछ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, अगर किसी ने कुछ करना है वो हमने शायद मीडिया पे छोड़ दी है. फॉर एवरीथिंग वी लुक अप टू मीडिया, बेशक वो सही है गलत है वट एवर दैट इज. आई थिंक दैट इज ट्रू इन अ वे कि मीडिया इज इट इज अ सोर्स टू गेट इंफॉर्मेशन, मगर आप यू कांट, it's just a source of information. People don't use, अगर वो कोई प्रॉब्लम्स हैं या if you want to do something about it, शायद हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मीडिया को दे दी है कि they will do something about it. I think media itself should, Pakistan in the context of Pakistani medium, it should realize कि it can make a difference. बट आई थिंक मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए इन पाकिस्तान अदर देन रिपोर्टिंग. ओके, सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. व्हेन यू विल बिकम जर्नलिस्ट, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, आपने चेंज की बात की, यूथ के ऊपर, यूथ चेंज लाने के ऊपर डिस्कशन हुई. माय क्वेश्चन अगेन कम्स टू यू इन दिस वे कि व्हेन यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एज अ जर्नलिस्ट, and I know you're going to start your internship very soon in a big news agency, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप वो तब्दीली लाएंगी जिसके बारे में अभी आपने मुझे बताया कि यूथ को आप एनर्जाइज करें, और यू नो जो मीडिया का रोल है उसको इंडिपेंडेंट खाली न्यूज एजेंसी रखा जाए, उसको थिंक टैंक ना बना दिया जाए. वेल माय आइडियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स आई गेस. I'm not a reporting type. Or the articles I look to, they're more on the psychological aspect of life, on the love of Pakistan, and on realizing who we are. मेरा basic goal खुद ही पे होता है, जो इकबाल ने concept दिया था. I think initially you don't want to do that, because I can write articles on it, I can encourage you to read it, but the problem is that pakistan media, har organization apni policy hoti hai. I approach a lot of organizations for my articles and stuff, and unhone they said ki hamare paas aise newspapers, aise articles ki jagah nahi hai, because there are a lot, unki जो आर्टिकल्स आते हैं